उत्तराखंड का पारंपरिक खेल मुर्गा झपट अब खेल महाकुंभ में भी अपनी जगह बना चुका है। जिले में आयोजित हो रहे खेल महाकुंभ प्रतियोगिता में पहली बार मुर्गा झपट खेल को शामिल किया गया है। इसे खेलने में स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्राएं काफी ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। वहीं खेल विभाग ने उत्तराखंड में जल्द ही आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों में इस खेल को प्रदर्शनी खेल के तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव पहले ही शासन को भेज दिया है, जिससे 38वें राष्ट्रीय खेलों में भी इस खेल की झलक देखने को मिल सकती है। दरअसल उत्तराखंड के पारंपरिक खेल विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे में इन खेलों को संरक्षित करने की पहल की जा रही है ताकि युवा पीढ़ी अब इन खेलों में रुचि ले। पौड़ी से मुकेश पछेती की रिपोर्ट। ये हमारी मुर्गा झपट जो प्रतियोगिता है, जो हमारे पारंपरिक खेल है उत्तराखंड के, उसमें से लिया गया है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी अभी युवा महोत्सव हुआ था उसमें देहरादून में मुर्गा झपट और पिट्ठू खेल में प्रतियोगिताएं हुई थी। तो हमारे खेल महाकुंभ में इस बार मुर्गा झपट को शामिल किया गया है। यह भी तीनों ही भार वर्ग में है, चाहे आप अंडर 14 बोलो, चाहे अंडर 17 और अंडर 20। इसमें प्रत्येक जो आपकी एज कैटेगरी है उसमें चार भार वर्ग रखे गए। जैसे मैं अगर आपको अंडर 20 की बात करूं तो अंडर 20 में 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। तो इस प्रकार के सेम हमारी जो अंडर 17 है, अंडर 14 है, तो इनमें भी प्रत्येक में चार चार भार वर्ग में रखे गए। तो इन खेलों को रखने का मकसद हमारी सरकार का एक ही है कि हमारे उत्तराखंड के जो पारंपरिक खेल है यह ज्यादा से ज्यादा इनमें प्रतिभाग मिले और हमारे उत्तराखंड को नाम मिले। सर, मुर्गा झपट की जो प्रतियोगिता है हमने बचपन में खेली हुई है और बचपन के बाद इस स्टेज में आके हमको मुर्गा झपट की जो गाइडलाइंस या जो जो की प्रतियोगिता की जो हम करा रहे हैं ये बड़ा अच्छा लग रहा है और हमारे उत्तराखंड के लिए भी ये सौभाग्य का दिन है कि अगर मुर्गा झपट को हम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएं तो इसमें हमारे बच्चे काफ़ी कुछ आगे बढ़ सकते हैं।